मैं और मेरा को फाउंडर अब्दुल्ला तारिक हम लोग इकट्ठे स्टडी कर रहे थे मास्टर्स में, और हम लोगों ने देखा एक दिन खबर के अंदर कि सीरिया के जो तमाम सिक्स यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं वो या कम्प्लीटली या पार्शली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसको लेते हुए हम लोग अपने प्रोफेसर्स के साथ बैठे और हमने देखा इसमें क्या रिसर्च एस्पेक्ट हम लोग डाल के इसके अंदर एक बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बना सकते हैं हेरिटेज साइट्स की प्रिजर्वेशन के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने काम शुरू किया, तकरीबन हमारी टेक्नोलॉजी रेडी होने वाली थी, तो जैज एक्सलरेट की हम फर्स्ट कोहोर्ट की एप्लीकेशन ओपन हुई, सो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया एंड देन वी वर लकी दैट वी गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। हम लोगों का ख्याल था जब हम यहाँ पे इंडक्ट हुए कि हम लोगों ने मेजर पार्ट कर लिया है जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, बिकॉज वी आर पीपल फ्रॉम दी यू इंजीनियर्स। मगर जब हम लोग यहाँ पे आए हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि द टेक्नोलॉजी वॉज जस्ट अ माइनर पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अब असल बात है हाउ डू वी मोनेटाइज इट, हाउ डू वी सेल इट। सो यहाँ पे जैज एक्सलरेट और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थ्रू द करिकुलम प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा नॉट ओनली हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट, हु टू सेल आवर प्रोडक्ट एंड हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट टीम फॉर द फ्यूचर। सो इसके साथ हम लोग जो है सिलेक्ट हुए जैज एक्सलरेट प्रोग्राम के तहत मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को। वो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म था क्योंकि इससे पहले वी वांट टू कॉन्फिडेंट हाउ मच आवर टेक्नोलॉजी रेट्स पूरी दुनिया के अंदर। सो जब हम वहाँ पे गए तो हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला एंड वहाँ पे हम लोगों को 15 इंटरनेशनल न्यूज़ पब्लिकेशन ने कवर किया, जिसके अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर्स ने हमें उन 600 स्टार्टअप जो पूरी दुनिया में शोकेस कर रहे थे उनमें से द वन विच मोस्ट स्टूड आउट के अंदर उन्होंने हमें सिलेक्ट किया। कि जब हम 3D डोमेन में काम कर रहे हैं तो ये तमाम 3D डेटा कैन बी यूज फॉर वर्चुअल रियलिटी। हम अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहें लोग अपने घर पे बैठे हुए देख सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो। इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी एंड वी आर स्टिल वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग समथिंग बिगर।